नमस्कार दोस्तों। तो आज हम व्याकरण में से विशेषण या जो घटक है विशेषण, उसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, किसी भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके बारे में जो शब्द हमें कुछ खास बताता है, कुछ विशेष जानकारी देता है, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। देखिए यहां पर विशेषण की परिभाषा जो है वो फिर से देखिए। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उनके बारे में जो शब्द हमें कुछ विशेष बताता है, विशेष जानकारी देता है, कुछ खास बताता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। देखिए, जिन शब्दों का विशेषण बताया जाता है यानी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बताया जाता है, बराबर है, तो उन शब्दों को यानी संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य। जो शब्द कुछ खास बताता है, जो शब्द कुछ विशेष बताता है, उन्हें विशेषण कहा जाता है। और जो शब्द जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ऐसे शब्दों को यानी संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण और विशेष्य। ओके, देखिए विशेषण के दोस्तों कुल मिलकर चार भेद है। कितने भेद है? चार भेद। उसमें से जो पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। देखो, विशेषण के चार भेद है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। देखिए फिर से एक बार विशेषण की परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए उदाहरणार्थ सदाचारी राजा। राजा सदाचारी, सदाचारी यह जो शब्द आया है, यह शब्द हमें क्या बता रहा है? राजा की कुछ खास बात बता रहा है, राजा के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। यानी क्या जानकारी दे रहा है? राजा कैसा है? सदाचारी है। सदाचारी यानी जिसका आचरण अच्छा हो। सदाचारी यानी जिसका आचरण अच्छा हो, उसे क्या कहा जाता है? सदाचारी। राजा कैसा है? सदाचारी है, सदाचारी राजा। मीठी बोली, देखो बोली की विशेषता आई है यहां पर। कौन सी विशेषता आई है? मीठी। बोली कैसी है? मीठी है। थोड़ा पानी, पानी की विशेषता, पानी कितना है? थोड़ा है। ऊंचा पर्वत, यहां पर पर्वत की विशेषता आई है, पर्वत के बारे में कुछ खास जानकारी हमें मिल रही है, पर्वत कैसा है? ऊंचा है। पांच पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हैं? पांच पुस्तकें। पुस्तकों के बारे में विशेष जानकारी ये शब्द हमें दे रहा है कि कुल मिलकर कितनी पुस्तकें हैं? पांच पुस्तकें। यानी ये जो सारे शब्द हैं, सदाचारी, मीठी, थोड़ा, ऊंचा, पांच, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और इन शब्दों ने जितनी विशेषता बताई है, जैसे कि राजा, बोली, पानी, पर्वत, पुस्तकें, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य। अब विशेषण के जो चार भेद है, चार भेद कौन-कौन से चार भेद है? पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। देखिए पहला भेद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? देखो, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, प्रकट
शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये किसी के रंग, गुण, दशा, आकार, समय, दिशा और भाव को प्रकट करते हैं। देखो ये शब्द गुणवाचक विशेषण जो है वो गुणवाचक विशेषण किस किस को प्रकट कर सकते हैं? देखो रंग, किसी का रंग, किसी के गुण, दशा, आकार, समय, दिशा, भाव को प्रकट करते हैं। उदाहरण, राहुल के पांव में नुकीली तार चुभ गई। देखो राहुल के पैर में क्या चुभ गया है? नुकीली तार चुभ गई है। यह तार का नुकीली यह जो विशेषण है संख्यावाचक विशेषण।
विशेषण। दोस्तों हमने विशेषण का पहला भेद देखा गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद देखा संख्यावाचक विशेषण, उसमें संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखा। अब जो विशेषण का तीसरा भेद है, और तीसरा भेद कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है देखो, देखो परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नामत्व का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनसे निश्चित या अनिश्चित मात्रा का पता चलता है। देखो इसकी परिभाषा क्या है, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का ज्ञान कराते हैं, नापना नापना तौलना नापना मीटर टेप से नापते हैं तौलते हैं, पता है तौलना एक किलो दो किलो या मात्रा एक डजन आधा डजन दो डजन। देखिए जो शब्द सॉरी जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नामत्व का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनसे निश्चित या अनिश्चित मात्रा का पता चलता है। निश्चित मात्रा, अब निश्चित मात्रा यानी क्या? उसमें निश्चित संख्या आती है, मतलब एक किलो, एक लीटर, दो मीटर, एक डजन, ये निश्चित मात्रा आती है। और अनिश्चित में, अनिश्चित मात्रा में क्या आता है? थोड़ा सा, जरा सा। देखिए यहां पर उदाहरण देखिए, उदाहरण बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ। देखो बाजार से कितनी चीनी लाने को कहा है? 5 किलो। कितनी चीनी? 5 किलो। यानी हमें यहां पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। यहां पर कितनी मात्रा है? 5 किलो की मात्रा है। कितनी है? 5 किलो की मात्रा है। इसलिए ये किसमें चला जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाता है। जिस प्रकार निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के संख्यावाचक विशेषण के जो दो उपभेद है, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक ये दो उपभेद है। उन दो उपभेदों का यहां पर मैंने उदाहरण दिया है। देखो ये पहला उदाहरण है निश्चित परिमाणवाचक का, बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ। और ये जो दूसरा उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण कौन सा है? देखो थोड़ा सा दूध गर्म कर लाओ। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मतलब कितना? इतना सा, इतना सा हमें निश्चित पता नहीं लग रहा है कि कितना दूध, बराबर है? हाँ यार, एक गिलास दो गिलास, थोड़ा सा मतलब निश्चित रूप से हमको कितना चाहिए इस बात का पता हमें नहीं लग रहा है, इस बात का बोध हमें नहीं हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा यह जो विशेषण है ये किसमें चला जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाता है। यह भी परिमाणवाचक विशेषण ही है, 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण ही है, थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण ही है, लेकिन जो 5 किलो है इससे हमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो थोड़ा सा है इससे हमें निश्चित रूप से मात्रा का पता नहीं लग रहा है, मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये कौन से कहते जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से चला जाता है। समझ में आ रहा है? ओके। अब तीसरा भेद देखो, सॉरी चौथा भेद देखो, विशेषण का चौथा भेद कौन सा? चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण कहां लगता है दोस्तों? ये भी यानी जो सर्वनाम शब्द
संज्ञा या सर्वनाम के पहले अगर विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का काम करते हैं, उन सार्वनामिक शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। दोस्तों देखो यहां पर सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उनकी विशेषता को किसकी विशेषता को संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को कौन से शब्द सार्वनामिक शब्द कहा लगकर संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर क्या करते हैं उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसा विशेषण कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो उदाहरण पहला उदाहरण यह महल किसका था, यह महल और यहां पर सार्वनामिक शब्द आया है, सार्वनामिक विशेषण आया है, कहां आया है संज्ञा के पहले आया है, कहां आया है संज्ञा के पहले, यहां पर संज्ञा कौन सा, संज्ञावाचक शब्द कौन सा है महल, महल यह कैसी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है, कैसी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा के पहले यह सार्वनामिक शब्द विशेषण के रूप में आया है, किसके रूप में आया है विशेषण के रूप में आ गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया है सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। और जो दूसरा उदाहरण है तो दूसरा उदाहरण क्या है देखो, ऐसी पुस्तक मेरे पास भी है, ऐसी पुस्तक, ऐसी यह शब्द यह सार्वनामिक शब्द कहा गया है पुस्तक, यह जो संज्ञावाचक शब्द है इस शब्द के पहले आया है, यह सर्वनाम ऐसी यह सर्वनाम संज्ञा के पहले अगर विशेषण का कार्य कर रहा है, बराबर है, इसलिए इस शब्द को इस सर्वनाम को क्या कहा गया है सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। यह सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले अगर विशेषण का कार्य कर रहा है इसलिए इस सार्वनामिक शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर विशेषण के जो हमारे चार भेद हैं वे चार भेद पूरे हो गए।